हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम यानी कि सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। 25 और 26 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम हो गया, लेकिन बहुत जल्दी आंसर की भी डिक्लेयर कर दी गई थी, और जिसके भी आंसर गलत दिए गए आंसर की में उनको ऑब्जेक्शन भी दे दिया है। और मुझे उम्मीद है आपने ऑब्जेक्शन भी दे दिया होगा। मैंने देखिए, जब आंसर किया है तब मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था, कोई अपडेट आया नहीं तब बताया। ऑब्जेक्शन कैसे देना वो भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया, नहीं देखा हो पीछे जाकर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप बताऊंगा आपको, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा कि जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की फिजिकल के बारे में, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ मैं, आप उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, और यहाँ पर आप जानते भी होंगे उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसी पर एक नोटिस आया है, बहुत नया नोटिस एकदम। तो वहाँ बताया गया है फिजिकल के बारे में कैसे कैसे क्या रहना है। मैं इस वीडियो में पूरे में आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा पूरा, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो बताने से पहले कहना चाहूँगा, जो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार चैनल पर विजिट करें, प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, एक साथ एक बेल आइकन आगे जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी कोई पुलिस को लेकर लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए, यहाँ पर आपको एक सबसे पहले देखने को मिलेगा यहाँ न्यू लिख क्या आ रहा है, रुचि की अभियुक्त EOI आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PSC के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत शारीरिक परीक्षा के संबंध में। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद PDF डाउनलोड कर लेंगे, PDF डाउनलोड होने के बाद ये PDF ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो रहा है, तो ये देखिए PDF जो है वो ओपन हो गया है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था लेकिन मैंने फिर से डाउनलोड कर लिया एक बार। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये न्यूज़ जो है अपडेट 2 नवंबर 2018 को, यानी कि आज 3 है, कल थी 2 नवंबर, तो बिल्कुल नया अपडेट है फ्रेंड्स आपके लिए। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PSC के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको मेन टॉपिक बता देता हूँ, ज़्यादा वीडियो बड़ी करने से कोई फायदा भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता देता हूँ, पहले नंबर पर यहाँ पर बताया उन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र अपलोड करना। सेकेंड नंबर है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है 5 किलोमीटर में 200 मीटर की कम है। ठीक है, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे बुरी खबर ये भी है इसमें कि जो फिजिकल के लिए स्टूडेंट लिए जाएंगे, 62,000 स्टूडेंट फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ उन्होंने साफ साफ बताया है, देखिए यहाँ पर की दौड़ लगभग 62,000 अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश में 18 से अधिक स्थानों पर आयोजित करना है। ठीक है, 62,000 अभ्यर्थियों के लिए जो है 18 से अधिक स्थानों पर आयोजित करनी है इनके। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड स्टेप में दिया है शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्यकारी प्रकृति की होगी, इसका मेरिट लिस्ट पर कोई प्रभाव नहीं होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8, महिला के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी आवश्यक होगी। ठीक है, यहाँ पर बताया ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित समय में दौड़ को पूरा नहीं करते वह अगले चरण के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि अगले चरण में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है, उसमें के लिए आप पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया टीम द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं होगी, CCTV कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण का पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमेट्रिक का प्रयोग पारदर्शिता अनुसूचित करने में। देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया फिजिकल भी आपका CCTV कैमरे की निगरानी में किया जाएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के संचालन को 400 मीटर की रनिंग ट्रेन की प्रमुखता दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि देखिए आपका जो कार्य प्रणाली मानव संसाधन सुसंगत कार्य अनुभव के विवरण 10 नवंबर 2018 तक ईमेल पर प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है, आपकी जो ईमेल है वहाँ पर प्रेषित कर दिया जाएगा, अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 62,000 होगी। ठीक है, 62,000 अभ्यर्थियों की संख्या होगी, और यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, जो मैंने मेन में था वो मैंने आपको सभी बता दिया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और कोई अपडेट आएगा लेकर तो मैं बताऊंगा आपको, और आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया नहीं आपको, कुछ स्टेप मैंने बता दिए, नीचे ऐसा कोई स्टेप रहा नहीं, क्योंकि इतने मरी ही पहले से 5-6 स्टेप मैं आपको मैन दिया हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
और यहाँ बता दिए मैंने कब आपको नोटिस मिल जाएगा, 10 नवंबर को आपको नोटिस मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, आगे ऐसे अपडेट पाना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।